हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे रिलेटेड है चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन से। तो चलिए अब जानते हैं हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है। प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट को हम हिंदी में अधिप्राप्ति कहते हैं। इंग्लिश में हम इस वर्ड को नाउन तो वहीं हिंदी में संज्ञा की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इंग्लिश में प्रोक्योरमेंट का मीनिंग क्या है। द एक्शन ऑफ एक्वायरिंग समथिंग। इंग्लिश मीनिंग के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोक्योरमेंट के कुछ सिनोनिम्स या फिर इससे ही मिलते जुलते कुछ और वर्ड्स। एक्विजिशन, ऑब्टेनमेंट, एक्वायरमेंट, अटेनमेंट। सिनोनिम्स जानने के बाद हम जानेंगे प्रोक्योरमेंट के कुछ एंटोनिम्स या फिर इसके विपरीत शब्द। सेल, वेंडिंग, डीलिंग, ट्रेडिंग, ऑक्शनिंग। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे न्यूज़ के इस दिए गए सेंटेंस में हमारे आज के वर्ड ऑफ द डे प्रोक्योरमेंट का यूज़ किस तरह से किया गया है। China is unhappy with Nepal after some media publications disclosed the procurement price of Sinopharm vaccine. कुछ मीडिया प्रकाशनों द्वारा Sinopharm vaccine की अधिप्राप्ति कीमत का खुलासा करने के बाद चीन नेपाल से नाखुश है। So friends, हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिए आज क्या सेंटेंस बनाएंगे आप प्रोक्योरमेंट से। और इसी के साथ YouTube पर हमारे HinKhoj डिक्शनरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।